Please come. Please come. Come. बैठिए. आपका माध्यम हिंदी है? जी सर. बैठिए बैठिए. आप शाहजहाँपुर के हैं? शुजालपुर. शाहजहाँपुर. शुजालपुर तहसील है जहाँ की रहने वाली हूँ और जिला शाहजहाँपुर है. अच्छा, जिला शाहजहाँपुर. तो शाहजहाँपुर का नाम कहाँ कैसे पड़ा? शाहजहाँपुर सर, मुगल बादशाह शाहजहाँ ने, उन्हें वहाँ बड़ा अच्छा लगा प्राकृतिक सौंदर्य वहाँ का देख करके. उन्होंने अपनी सेना का पड़ाव वहाँ डाला था जब वो दक्षिण में अभियान के लिए जा रहे थे, तो तब से वहाँ शाहजहाँपुर शाहजहाँ के नाम पर. वो शाहजहाँ शाहजहाँ तो नहीं है, तो शाहजहाँपुर है सर. पहले शाहजहाँपुर था, फिर जब सिंधिया के अंडर में आया तब से शाहजहाँपुर उसका नाम हो गया. तो उन्होंने नाम बदल दिया, तो नाम का कोई मतलब तो होगा ना फिर? तो फिर तो सिंधिया से रिलेटेड कोई नाम हो गया ये सर. वो शाहजहाँपुर को ही शॉर्ट में शाहजहाँपुर कर दिया है. बाकी मध्य प्रदेश वालों को शौक है, वो पैसे को पैसे बोल देते हैं. और शुजालपुर क्या है सर? शुजालपुर में भी शुजात खां करके एक नवाब थे, जागीरदार थे वहाँ के, तो उन्हीं के नाम पर शुजालपुर है. तो अच्छा, आप स्टेट पुलिस में आ चुके हैं ऑलरेडी? जी सर. रेगुलर जॉब थ्रू एग्जाम? जी सर. कौन सा बैच है आपका? सर मेरी ट्रेनिंग 18-19 में हुई है. 18-19 में? जी सर. तो 3 साल, तो 4 साल हो गए. जी सर, 4 साल हो गए मुझे. आप पोस्टिंग कहाँ है आजकल? उज्जैन में पदस्थ हूँ सर. हाँ, शहर में? जी सर, महिला अपराध शाखा प्रभारी हूँ वहाँ. अच्छा, आप मुझे बात बताइए कि आपका जो विषय है वो हिंदी साहित्य है सर. और हिंदी तो मध्य प्रदेश में वैसे भी बोली बढ़ती बहुत जाती है. आप मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख हिंदी साहित्यकारों के नाम लीजिए. वो कवि भी हो सकते हैं, उपन्यासकार भी हो सकते हैं, निबंधकार भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं सर. डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन कुलपति भी रहे हैं विक्रम यूनिवर्सिटी के. तो उज्जैन की तरफ हसिया काट रहा है. और बताइए. और सर गजानंद माधव मुक्ति बोध जी हैं, उन्होंने भी शुजालपुर में रहकर ही अपना साहित्य लेखन भी किया है. नरेश मेहता जी, वो शाहजहाँपुर में ही जन्मे हैं और मध्य प्रदेश में ही उन्होंने साहित्य लेखन किया है. माखनलाल चतुर्वेदी जी होशंगाबाद जिले में. इनमें से आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन लोग थे? सर मेरे पाठ्यक्रम में मुक्तिबोध जी हैं और यही हैं सर. पाठ्यक्रम से बाहर कोई हिंदी साहित्यकार है जो मध्य प्रदेश का, इसके बारे में आप बात करना चाहेंगे? अविभाजित मध्य प्रदेश भी हो सकता है. जब से मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ है छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, तो कुछ लोग तो छत्तीसगढ़ के हिस्से चले गए और कुछ बहुत बड़े नाम हैं हिंदी साहित्य के, जिनमें से कुछ लोग मध्य प्रदेश के हैं जो सिविल सर्विस में आए, इसमें रहे हैं, साहित्य अकादमी के चेयरमैन भी रहे हैं और साहित्य अकादमी के पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं. आपको वो याद नहीं आ रहा? आप मध्य प्रदेश में हैं. जी सर. भोपाल का नाम आपने सुना होगा. जी सर. भोपाल को एक जमाने में अखिल भारतीय संस्कारधानी बनाने का काम कर रहे थे, तो वो कौन आए सब सर थे? सर मुझे जानकारी नहीं. आपने अशोक वाजपेयी का नाम नहीं सुना है? सर नाम सुना है. अशोक वाजपेयी आईएएस में थे, संस्कृति सचिव मध्य प्रदेश में थे. अच्छी खासी उनकी ख्याति है. भारतीय कला भवन का निर्माण उन्होंने करवाया है वहाँ भोपाल में, और वो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. चलिए कोई बात नहीं. अभी आप मुझे बताया, आपने कहा कि महिला अपराध शाखा की आप प्रभारी हैं, तो क्या उज्जैन में महिलाओं के विरुद्ध अपराध ज़्यादा होते हैं? सर पर्टिकुलर उज्जैन में अपराध ज़्यादा होते हैं ऐसा तो नहीं है. हर एक जिले में महिला अपराध शाखा का पद है. चलिए मैं आपसे एक दूसरा प्रश्न पूछ लूँ. क्या मध्य प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं तुलना में पड़ोसी राज्यों के, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र? जी सर. सर मध्य प्रदेश में पॉक्सो के जो मामले हैं, जो नाबालिग बच्चों के साथ जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, उसमें पहली रैंक है मध्य प्रदेश की. अन्य अपराधों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये राज्य मध्य प्रदेश से पहले. ऐसा क्यों है? सर मध्य प्रदेश में पॉक्सो के जो केसेस ज़्यादा हैं, उसका मेरा जो एनालिसिस है या जो हम देखते हैं उसमें ये इशू है सर. ट्राइबल कम्युनिटी बहुत है और अर्ली एज में जब नाबालिग लड़की किसी के साथ चली जाती है, चाहे वो अपनी मर्जी से जाती है, जब वो लौट कर आती है तो उसमें फिर पॉक्सो का मामला पंजीबद्ध होता है.
तो एक ये बड़ा कारण है जिससे पॉक्सो के मामले मध्य प्रदेश में ज्यादा है। ठीक, मैं आपको प्रश्न अंग्रेजी में पूछ रहा हूँ, आप हिंदी में बेशक जवाब दीजिए। जी सर। पुलिस हैव अ वेरी बैड रेपुटेशन सर। अब आप आम आदमी से पूछ लीजिए, पुलिस से डरते हो, एंड दिस रेपुटेशन इज बिल्ट ऑल्सो ऑन द बिहेवियर ऑफ द पुलिस, ठीक है ना? आपका क्या ख्याल है, पुलिस को क्या करना चाहिए टू इम्प्रूव इमेज? सर, पुलिस की इमेज इम्प्रूव करने के लिए पुलिस में पुलिस के जो कर्मी हैं, जो पहली पंक्ति है सिपाही के स्तर पर, उन्हें सर प्रशिक्षण में संवेदनशील बनाने के लिए उनके प्रशिक्षण में ये चीज़ें शामिल की जानी चाहिए, जिससे वो पब्लिक के प्रति ऐसा बिहेव करे जिससे पुलिस की छवि में सुधार हो। नहीं, अब देखिए, वी विल गो इनटू पुलिस रिफॉर्म्स राइट स्लोली। आई एम आस्किंग, इट इज 40 डिग्रीज आउटसाइड सर, 41 डिग्रीज आउटसाइड। जी सर। ठीक है, यू पुट अ पुलिसमैन आउटसाइड, होल डे ही इज देयर। जी सर। राइट, ही इज अंडर टेंशन सर। अब when he has to talk to someone, पहले तो वो जब थप्पड़ लगाएंगे, then he will ask for money. जी सर। The British system was, if you want to keep the policeman who's on the road alert, then you should have an avenue for corruption. That was the British system. जी सर। Because वो बाहर खड़े रहेंगे वहां पर, धूप है, he will say, at least I can make 500, 600 rupees in addition. जी सर। ठीक है, then he has power. How will you change this? How will you, what is the education you will give to this man to tell him, please deal with the janta in a nice manner? He will not. He will not. Firstly, they are really kept actually economically quite marginalized as strategy. जी सर। Second, if you simply put a slogan, जैसे यहाँ यू नो ऑन द पुलिस कार यू विल सी विथ यू फॉर यू ऑलवेज, इफ यू सिंपली पुट अ स्लोगन दैट डज नॉट इम्प्रूव द रेप्यूटेशन। थर्ड थिंग, इफ यू गो एंड मीट समबडी एंड आस्क अबाउट अ पुलिस ऑफिसर, द नॉर्मल थिंग इज वो तो बिक गया, आइदर ही हैज बीन सोल्ड टू अपर कास्ट और ही हैज बीन सोल्ड टू अ सर्टन रिलीजियस कम्युनिटी और सर्टनली हैज बीन सोल्ड टू पॉलिटिशियंस, right? Sir. And is highly corrupt. So how will you reform all this? As a police officer, I'm asking you. Final question. Because you're a lady, you have got this job regarding women's protection. Yes. Right? Was there no other job that you would be considered for? Does this mean that women police can't crack the glass ceiling? Can you not be put in investigations? Can you not be put to deal with crime? Why have they just selected this? Are you the only woman there? I can understand. Yes, yeah. So these are my set of questions. You can club all of them and give me a general reply. Sir, जो आप पुलिस की छवि के सुधार के लिए कह रहे हैं, उसमें सर आपने कहा कि इकोनॉमिकली उनको तो सर उनकी सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए, फिर ज़्यादा संख्या में भर्ती जब होगी, क्योंकि लगभग 5 लाख के करीब पद खाली हैं, अगर ज़्यादा संख्या में भर्ती होगी तो जो बर्डन है काम के ऊपर इतना ज़्यादा, वो कम हो जाएगा, उनके ड्यूटी आवर्स फिक्स रहेंगे, कम समय मतलब अपनी फैमिली को अधिक समय दे पाएंगे, तो उससे भी इम्प्रूव होगा। और आप आईपीएस क्यों ज्वाइन करने चाहते हैं? सर, मेरा 3-4 साल का जो अनुभव है पुलिस में, वो उससे मुझे लगता है कि ये मेरी रुचि का क्षेत्र है, मुझे पुलिस में काम करके अच्छा लगता है। और दूसरा कारण ये है कि जब महिलाएं यूनिफॉर्म में निकलती हैं तो सोसाइटी में जो दूसरी महिलाएं हैं, जो उन्हें भी सेफ्टी का फील आता है, और दूसरा जो सोसाइटी के मेल हैं वो अपनी जो घर की महिलाएं हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए उन्हें भी मतलब अच्छा लगता है कि बाहर सेफ्टी है, पुलिस महिला पुलिस अगर काम कर रही है तो हम क्यों नहीं अपनी घर की महिलाओं को बाहर भेजें। आपके जो मेल कॉलीग्स हैं, दे लिसन टू यू, दे टेक यू सीरियसली इन द सेम वे एज दे टेक देयर मेल कॉलीग्स सीरियसली। जी सर। हां जी सर। ओके, नो फर्दर क्वेश्चन। सोनू जी,
आपने आईपीएस अपने फर्स्ट चॉइस भरी है, आपने उसका कारण भी बताया है। ये बताइए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की एक 125 महिलाओं की टुकड़ी जो है वो एक विदेशी एक देश में भेजी गई थी एज अ यूएन यूनिट, वो कौन सा देश था? सर गैस कर सकती हूँ? तो आपने इसके बारे में सुना ही नहीं है अभी। आप वो उस महिला टुकड़ी ने इतना इंस्पायर किया उस देश की महिलाओं को, 4-4 fold इंक्रीज हो गई उस देश की महिलाएं पुलिस को ज्वाइन करने के लिए उसके बाद, तो आपने इसके बारे में सुनी? तो चलिए गेस भी करेंगे, तो कौन सा गेस करेंगे? सर साउथ सूडान का केस। जी नहीं, लाइबेरिया। सर लाइबेरिया में 125 स्ट्रॉन्ग इंडियन फॉर्म पुलिस यूनिट भेजी गई थी, सब महिलाएं थी सिर्फ उसमें, और उन्होंने 2007 से 2016 तक काम किया और उससे बहुत प्रोत्साहन मिला वहाँ लाइबेरिया के महिलाओं को, और उसमें 4-fold बढ़ोतरी हुई जो लाइबेरियन महिलाएं पुलिस ज्वाइन करना चाहती थी। ये बताइए यूनाइटेड नेशंस में पीस कीपिंग फोर्सेस की क्यों आवश्यकता पड़ती है? यूएन पीस कीपिंग के बारे में आपने सुना है? नहीं जी सुना सर है? तो यूनाइटेड नेशन में पीस कीपिंग की आवश्यकता क्यों है? सर ऐसे ऐसे देश जो गृह युद्ध से जूझ रहे हो, वहाँ अगर वहाँ की लोकल जो पुलिस है या जो उनके देश की पुलिस है, अगर वो इतनी कैपेबल नहीं होती है कि वो सिचुएशंस को कंट्रोल, तो सिविल वॉर अगर किसी देश में हो रहा है तो वहाँ यूनाइटेड नेशंस कैसे हस्तक्षेप कर सकती है, क्योंकि वो तो उस देश का आंतरिक मामला है। सर आई हैव नो आईडिया। आपने पढ़ा नहीं है इसके बारे में लगता है? जी यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ा है यानी संयुक्त राष्ट्र के बारे में? जी सर पढ़ा है। भारत संयुक्त राष्ट्र में कितनी बार नॉन परमानेंट सदस्य रह चुका है? सर नंबर्स मुझे याद नहीं है। आखिरी बार कब सदस्य था? सर अभी लास्ट ईयर अगस्त में। और कब तक रहेगा? सर 2 साल के लिए रहता है। तो नॉन परमानेंट सदस्य जो हैं और परमानेंट सदस्य में क्या फर्क है? सर परमानेंट सदस्य जो हैं उन्हें वीटो का अधिकार रहता है और नॉन परमानेंट को वीटो का अधिकार नहीं रहता है। ये वीटो का अधिकार परमानेंट सदस्य को क्यों दिया गया? सर जब यूएन का जब गठन हुआ तो उस समय जो प्रभावी रहे होंगे जो देश उन्होंने रहे होंगे, माने आप फिर गेस कर रही हैं? सर सॉरी। तो चलिए फिर पाकिस्तान के बारे में आपको कुछ जानकारी है जो क्या हो रहा है वहाँ अभी? जी सर वहाँ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान जी। और उसके बाद क्या हुआ? सर ये तो आप 4 दिन पुरानी खबर बता रही हैं मुझे। सर अविश्वास प्रस्ताव पारित भी हो गया है। पारित हो गया? जी सर। श्योर हैं आप लॉक किया जाए? जी सर। उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद का आइडिया नहीं है। इमरान खान अभी भी प्रधानमंत्री हैं या नहीं है? सर इमरान खान अभी प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के या नहीं है? सर आज का नहीं पता, कल मैं पास आउट कर देता। नहीं देखिए सुनो, आपकी जो महत्वाकांक्षा अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा में आने की है जी सर, उसके लिए तैयारी यथेष्ट नहीं है, क्योंकि देखिए सीधी बात यह है कि आपसे जो सवाल आपके व्यक्तिगत जीवन या व्यक्तिगत रुचि के बारे में पूछे गए, उज्जैन के बारे में, पुलिस के बारे में, उस जानकारी आपको होनी चाहिए जी सर। मगर जो जहाँ सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, हिंदी भी पाठ्यक्रम के बाहर की जानकारी आपकी बहुत कम है, जबकि आपने उसको माध्यम चुना है और मध्य प्रदेश में हिंदी बोली बढ़ती जाती है जी सर। अब दिक्कत यह है कि जब आप सामान्य ज्ञान के उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रही जो आज के अखबार में है, कल के अखबार में है, परसों के अखबार में है, तो इसका अर्थ ये है कि हम लोगों की बहुत सीमाएं हो जाती हैं कि हम आपसे सवाल क्या पूछें। राजदूत महोदय ने जो आपसे सवाल पूछे जी, वो संयुक्त राष्ट्र के गठन के साथ जुड़े बुनियादी सवाल हैं। यदि आपने सामान्य ज्ञान पढ़ा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्थायी सदस्य क्यों थे, किन परिस्थितियों में बने थे, बने होंगे, प्रभावी रहे होंगे, उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बिल्कुल स्पष्ट है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि वहाँ थोड़ी कसर है, और जैसे पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, आप बिल्कुल सकुचा के कह रहे कि वहाँ विश्वास प्रस्ताव लाया गया है, फिर वो पारित हो गया है, फिर इमरान खान का अब क्या हुआ मुझे पता नहीं, वहाँ नवनिर्वाचित नव नियुक्त प्रधानमंत्री की बातें होने लगी, ये होंगे कि ये होंगे, भारत के प्रति क्या रवैया होगा। अगर आप ये परीक्षा दे नहीं है तो आपको अखबार तो कम से कम छोड़ना नहीं चाहिए। कब आपका इंटरव्यू कब है? सर 25 अप्रैल को। हाँ अभी आपके पास मेरे ख्याल में करीब 14-15 दिन है। मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो आपको राय दें, क्योंकि आप फीमेल आईपीएस ऑफिसर मैंने पुलिस ऑफिसर हैं, इसीलिए मैंने आपसे फीमेल फॉर्म पुलिस यूनिट के बारे में पूछा, क्योंकि वो तो फिर
खुद आपके लिए तो आप जाना भी इंस्पिरेशन की बात होनी चाहिए ना कि भाई आप जब खुद इंस्पायर करना चाह रही हैं कैसे ऑलरेडी इंडियन 125 महिला पुलिस ऑफिसर अधिकारी इंडिया की गई थी, उन्होंने कैसे एक देश की महिलाओं को इंस्पायर किया। पुलिस वालों के बारे में ये इमेज है कि गालियां बहुत देते हैं, आपने कुछ सीख ली अभी तक? नहीं सर, नहीं। लेकिन गालियां क्या देते हैं वो तो सुनी तो होंगी। जी सर सुनी। तो डू यू थिंक बगैर गाली दिए पुलिस वाले की अथॉरिटी एक आम नागरिक मान लेता है, या जब तक दो चार गालियां ना दो वो उनकी अथॉरिटी को नहीं एक्सेप्ट करता? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि गाली देने से ही अथॉरिटी एक्सेप्ट होगी। अगर उसने कोई इलीगल काम किया है तो उसके लिए वो पनिशेबल है, उसके लिए उस पर कार्यवाही होगी, उससे भी तो आपके अंडर में कोई कांस्टेबल अगर कोई गाली देता आपको सुनाई दे तो आप उसको? जी सर मैं रोकती टोकती हूँ। रोकती टोकती हैं? जी सर। वेरी गुड। दो चीज़ें सोनू जी हम जो सबको एडवाइस करते हैं, आपके बहुत प्लेजेंट पर्सनैलिटी है और कूल काम, और फॉर ए पुलिस वोमन वेरी सॉफ्ट, रौबदार हो सकती थी लेकिन यू आर जेंटल विच इज गुड। तो दो चीज़ें, एक तो क्वेश्चन सारे जनरली डैफ से ही पूछे जाते हैं जी, है ना, इसको और से पढ़िए एक एक चीज़। मैं पहले शुजालपुर और शाहजहाँपुर में इनसे शुरू हो गया था जी, तीन दो तीन मिनट में लगा। इसी तरह हर चीज़ के कई क्वेश्चन निकल सकते हैं। आपका जवाब वो शाहजहाँपुर वाला बड़ा अच्छा था, ठीक था जी सर, कि ये कोलोकियली नाम चेंज हो गया, शाहजहाँ के जर्नी में ही बना था ये, इसमें कोई राय वो नहीं। तो एक तो इस पे आप बैठ के 100 क्वेश्चन इसमें से निकालिए खुद ही अपनी एक्सरसाइज करके कि ये भी तो हो सकता है ये भी, और जब क्वेश्चन निकालेंगे तो जवाब भी ढूंढ लेंगे जी सर, है ना। अखबार कौन सा पढ़ती हैं सर? इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छा पढ़ती हैं। उसमें से नोट्स लिखती हैं आप क्या? सर नोट्स तो नहीं लिखती हूँ अभी। नहीं तो नोट्स अगर नहीं लिखती हैं तो आज से ही एक डायरी बना लीजिए और 5 आइटम रोजाना उसमें इंक्लूडिंग टुडे, क्योंकि आपको टाइम दे रखा है ना सर, तो 5 आइटम उसमें से लेके एक पेज पे एक आइटम लिखिए, चाहे वो 2 लाइन का अंतर होगा 5 लाइन का, लेकिन एक पेज पे एक रखेंगे ना। तो जब आप वही चीज़ आया होता है दिमाग में याद करने की, एक होता है हाथ से लिखने की, जो भी चीज़ आपने हाथ से लिख ली वो उसके याद रहने के दुगने चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें आप करें। आपका कोई सवाल है हमसे? सर कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं है। चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट सर।